हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन यूट्यूब लेक्चर नंबर 2 एंड वी आर गोइंग टू स्टडी बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, द फर्स्ट नंबर सिस्टम दैट वी स्टडीड इट वाज डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, हियर यू कैन सी ड्यू टू द कॉम्प्लेक्सिटी of designing circuit with 10 different voltage level, each number represent different voltage. Decimal number system was not convenient for implementation in the digital system. That is why binary system uses binary number system. That is why digital system. Here we need to correct. That is the digital system, not binary system. That is why digital system uses binary number system. Okay, let me make it clear to you. As you can see this line, 10 different voltage level, each number represent different voltage. Okay, इसका कहने का सेंस ये है कि डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज़ करना, मतलब यूज़ जब करना थोड़ा सा ईजी नहीं था, कॉम्प्लेक्स था. क्यों था? क्योंकि हमें पता है कि जब जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, जब उनकी सर्किट डिज़ाइनिंग होती है, तो वहाँ पे हमें वोल्टेज को, ठीक है, वोल्टेज का जो इम्पोर्ट जो टर्म है उसको सेट करना पड़ता है. ठीक है, तो डिज़ाइनिंग के टाइम पे सर्किट के, ठीक है, तो अगर हम 10 डिफरेंट वोल्टेज यूज़ करेंगे, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. ठीक है, तो कहने का सेंस ये है जितने नंबर होंगे उतने वोल्टेज होंगे. ओके, तो इसीलिए डिजिटल सिस्टम में डेसिमल नंबर सिस्टम को हटा के बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, हटा के हमने किसका यूज़ किया जाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम का. क्यों? क्योंकि इसमें दो ही नंबर हैं, दो ही डिजिट हैं, 0 and 1. तो 0 आपको पता ही है, 0 रिप्रेजेंट करता है ऑफ एंड 1 करता है किसको, ऑन. तो इससे आप समझ कि हमारे पास कितने वोल्टेज हुए, 2 वोल्टेज ऑन. ओके, 0 and 1. ऑफ दिखाएगा किसको, सॉरी, 0 किसको दिखाएगा, ऑफ, और 1 किसको दिखाएगा, ऑन को. ओके ओके, तो हम यहाँ पे हम केवल दो ही डिजिट का यूज़ करते हैं, 0 and 1 का, इसीलिए इसको बेस 2 भी कहा जाता है. वहाँ पे क्या था, हम यूज़ कर रहे थे कितने नंबर्स का, 10 नंबर्स का, 0 to 9. इसीलिए हम उस नंबर को क्या बोलते थे, बेस्ट 10 सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम. और हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम को बेस्ट 2 सिस्टम. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे दो ही डिजिट यूज़ कर रहे हैं, we are using only just 2 digit, that is your 0 and 1. Okay, see the next point. It is composed of 2 symbols, are possible digits, value 0 and 1. Okay, as you know very well this things. Okay, ki binary number system mein 2 digits hote hain, 2 symbol hote hain, 0 and 1. Okay, binary system is often abbreviated to term bit. ज़्यादा करके आपने सुना भी होगा, most of the time you have heard or you have spoken this word bit. कहने का सेंस ये है, जब भी हम किसी कंप्यूटर साइंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, अगर हम bit word का यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं. ओके, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बाइनरी नंबर सिस्टम को
एब्रिवेट किया जाता है, शॉर्ट में क्या बोला जाता है, बिट। ओके, जैसे आपने सुना होगा जो डेटा है जो इसका, ये कितने बिट का है, ये इतने बिट का है, 16 बिट का है, 8 बिट का है, ठीक है, 4। ओके, तो ये क्या है, जो वो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी जिससे आप बात कर रहे हो कि 8 बिट है, 16 बिट है, 32 बिट है, वो क्वांटिटी, उस क्वांटिटी, वो क्वांटिटी या डेटा किस में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। किस में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बाइनरी नंबर सिस्टम में। अब नेक्स्ट लाइन, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इन द सेम वे दैट यू हैव सीन इन डेसिमल नंबर सिस्टम MSD, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। हियर डी हैज बीन चेंज्ड विथ बी, डी हैज बीन चेंज्ड विथ लेटर बी, हियर वी आर कॉलिंग इट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे भी वही बातें हैं, जो लेफ्ट साइड में डिजिट आएगा, जो बिट आएगा, उसका वैल्यू, वो उसकी वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ओके, इन द सेम वे दैट वी हैव सीन इन डेसिमल नंबर सिस्टम LSD, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। हियर वी आर सीइंग लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। सब कुछ वही है, यहाँ पे भी क्या है, जो नहीं, कुछ चेंजेस है यहाँ पे, सॉरी, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या था, जो लेफ्ट साइड में डिजिट आता था वो क्या होता था, हाँ सही है, सही, सेम है, सब कुछ सिमिलर है। जो राइट साइड में डिजिट आएगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू कम होगी। सेम चीज़ कहाँ पे थी, डेसिमल नंबर सिस्टम में भी थी और यहाँ पर भी है, ठीक है। तो वहाँ पर था कि जो लेफ्ट साइड में डिजिट आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जो लेफ्ट साइड में आएगी उसकी वैल्यू कम होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो हम लेसर वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ मूव करते हैं। ओके ओके, तो ये था आपका बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में, कि बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज़ क्यों किया गया और क्यों हो रहा है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, इसे क्यों लाया गया, ड्यू टू द ड्रॉबैक ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम नाउडेज इट इज़ बीइंग यूज्ड इन डिजिटल नंबर सिस्टम। ओके, एज देर आर ओनली टू वैल्यूज, दो ही वैल्यूज हैं, 0 and 1, ठीक है। तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनके सर्किट को डिज़ाइन करने में क्या होता है, दिक्कत नहीं आती है, मतलब इजली उनको डिज़ाइन कर दिया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये था आपका बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी अबाउट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ओके,